हेलो, मैं डॉक्टर प्रगति रस्तोगी। आज मैं आप लोगों को स्टीरियोटाइप बिहेवियर टैक्सिस एंड रिफ्लेक्सिस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बिहेवियर होता है दैट डेवलप्स एज एन अडेप्टेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कि जब भी कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एनिमल को प्राप्त होता है, उसके अडेप्टेशन के रूप में कोई भी बिहेवियरल पैटर्न सबसे पहले डेवलप होता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, तो इस वजह से वो अडेप्टेशन शो करता है। तो बिहेवियर जो है, इनिशियली जो बिहेवियर कोई भी एनिमल दर्शाता है, इट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। दैट मीन्स कि जब तक कोई स्टिमुलस नहीं होगा, तब तक उसके प्रति कोई भी बिहेवियरल रिस्पॉन्स आगे नहीं आएगा। और बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि ये माना जाता है कि वो इनेट या एंडोजिनस हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म उनके साथ पैदा होता है, वो इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाद में एक्वायर करता है, लेकिन इनिशियली जितने भी बिहेवियरल पैटर्न हैं वो इनेट होते हैं और बाद में वो एक्वायर होते हैं। दैट मीन्स कि उनमें जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उसके हिसाब से कुछ बदलाव आते हैं, वो एक्वायर होते हैं चेंजेस। तो डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स जो एनिमल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनको बेसिकली दो तरीके से समझा जाता है। एक तो होते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स। स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स जो होते हैं, दे आर द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। अब ये ग्रुप जो है, एक स्पीशीज भी हो सकती है, या कोई रेस हो सकती है, या कोई ट्राइब हो सकती है, या ये पूरा जीनस भी आ सकता है इसमें, या क्लास आ सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, या फिर पूरा का पूरा फाइलम भी कई बार इसमें इनकॉर्पोरेटेड होता है स्टीरियोटाइप बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न्स हैं, दे आर रिलेटेड ओनली टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि प्रत्येक स्पीशीज में, प्रत्येक फैमिली में, प्रत्येक क्लैन में हर इंडिविजुअल का अपना अपना अडेप्टेशन होता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर्स में हम लोग केवल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर पढ़ते हैं। तो जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स होते हैं, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि एक प्रोटोटाइप डेवलप हो जाता है और बार बार वही चीज़ रिपीट होती है। तो स्टीरियोटाइप बिहेवियर में कोई भी इंडिविजुअल जो है, वो एक ही प्रकार का बिहेवियर बार बार रिपीट करता है। और कई बार क्या होता है कि जब एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बीच में अगर कोई और स्टिमुलस भी दिया गया है, तो एनिमल उसको इग्नोर कर देता है और जो उसका पहले से चल रहा है बिहेवियरल रिस्पॉन्स, वो उसी को दर्शाता रहता है। तब हम ये कहते हैं कि स्टीरियोटाइप एक्ट्स जो हैं वो फिक्सेट हो गए। तो बिहेवियरल पैटर्न्स, उनको जब इस तरीके से फिक्सेट हो जाता है कोई एक्ट कि एनिमल बार बार उसी प्रोसेस को कर रहा है और बीच में आने वाले स्टिमुलस को भी इग्नोर कर रहा है, तो इस प्रकार के जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स हैं उनको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स। तो स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं और इसमें एक चेन या सीरीज ऑफ एक्ट्स होते हैं जो कि एक डेफिनेट सीक्वेंस में ही होते हैं। कि पहले क्रिया ए होगी, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। पहले बी, डी, सी, ए, इस तरीके से नहीं होगा। एक डेफिनेट चेन ऑफ इवेंट्स है जो ये होगा, जिस हिसाब से इसमें एक्शन सीक्वेंस जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है। और दूसरा, जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ओरिजिन में और प्रेडिक्टेबल है, कि अगर आपने ये देख लिया कि एक कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस है, तो उसके लिए जो आगे का एक्शन है एनिमल का, वो प्रेडिक्ट कर किया जा सकता है। स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं, ये स्पीशीज और सेक्स या एज स्पेसिफिक होते हैं। कि कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न है कि किसी एक जीनस की कोई पर्टिकुलर स्पीशीज शो करती है, और उस स्पीशीज में भी एक पर्टिकुलर एज पे और एक पर्टिकुलर, मतलब मेल या फीमेल ऑर्गेनिज्म उसको शो करेगा। फॉर एग्जांपल, इन्फेंट बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द यंग बिहेवियर। जो यंग एनिमल्स होते हैं उनके मुकाबले इन्फेंट बिहेवियर डिफरेंट होता है। सिमिलरली, मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फीमेल। और ये जो होते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न, ये इनिशियली एक स्टिमुलस डिपेंडेंट होते हैं। जब तक स्टिमुलस नहीं दिया जाएगा, तब तक द रिस्पॉन्स विल नॉट बी एलिसिटेड अनलेस द स्टिमुलस इज गिवन। एंड ये जो स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न है,
दे डू नॉट रिजल्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस. यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इनबॉर्न ट्रेट. तो स्टीरियोटाइप को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए डंकन एंड वुडगश ने 1972 में एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें उन्होंने तीन ग्रुप्स लिए थे हेन के, दैट मीन्स दे टुक थ्री ग्रुप्स ऑफ हेन. इसमें जो ग्रुप ए था दे हैड लिटिल और नो हंगर और एक्सपेक्टेंसी जो फूड के लिए थी वो बहुत कम थी. जो सेकेंड ग्रुप था उनमें इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ हंगर थे और एक्सपेक्टेंसी भी इंटरमीडिएट ग्रेड की थी कि खाना मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं. जबकि जो तीसरा ग्रुप था ग्रुप सी, दैट वॉज वेरी हंग्री एंड इट हैड हाई डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेंसी, दैट मीन्स दे रिक्वायर्ड फूड अर्जेंटली. तो उन्होंने इंडिविजुअल्स को अलग अलग केजेस में, टेस्ट केजेस में रखा और उनको एक पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पर हमेशा खाना रखा जाता था वहीं पर खाना रखा, जो कि विजिबल था तीनों ग्रुप्स को, लेकिन ये इनएक्सेसिबल था क्योंकि जो बीच का रास्ता था वो कवर कर दिया गया था ग्लास प्लेट के द्वारा. तो उन्होंने देखा कि ग्रुप ए जो कि जिसमें बिल्कुल ना के बराबर एक्सपेक्टेंसी थी और हंगर भी नहीं था, उन्होंने स्टीरियोटाइप्ड एस्केप मूवमेंट्स ही शो किए, केवल वो उन्हें केवल बाहर निकलना था. जबकि जो ग्रुप बी जिसमें इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ हंगर था, इंटरमीडिएट एक्सपेक्टेंसी थी, उन्होंने एस्केप बिहेवियर के साथ साथ उन्होंने अलार्म कॉल्स दिए. इसका मतलब उनको ये एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उन्हें भूख भी लग रही थी. जबकि जो थर्ड केस था, जो थर्ड सेट था जिसमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा भूखी थी, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उनका जो बाहर निकलने का जो उनका एस्केप बिहेवियर था वो भी बहुत ज़्यादा विगरस था. और उनका फ्रस्ट्रेशन इस वजह से भी ज़्यादा था क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी लेकिन फूड उनके लिए एक्सेसिबल नहीं था. और अगर उन्होंने बाद में जब वो ग्लास प्लेट बीच में से हटा दी तब भी उन्होंने ये देखा कि तीनों ही ग्रुप्स में चाहे भोजन एक्सेसिबल था, अब वो वहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन जो एस्केप बिहेवियर था वो फिक्सेट हो गया था. ग्लास प्लेट हटाने के बाद भी किसी भी हेन ने भोजन की तरफ जाने की कोशिश नहीं की. उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि हमें इस पिंजरे से बाहर निकलना है. तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कि एस्केप पैटर्न जो था उस वहाँ पर फिक्सेट हो गया था. हालांकि सारी की सारी जो स्टीरियोटिपीज होती हैं एनिमल्स में वो फिक्सेट नहीं होती. तो पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स या फिक्स एक्शन पैटर्न. स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स में जिसमें कि हाईली कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं मूवमेंट के, जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हम जिनको कहते हैं, ये इनमें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है एक वेल ऑर्डर्ड सीक्वेंस में. और एक्शन पैटर्न्स इस तरह के जो सबसे पहले डिस्क्राइब करे थे वो के लॉरेंस ने किए थे. उन्होंने फिक्स्ड एक्शन पैटर्न उन एक्शन पैटर्न्स को बोला जो कि इननेट हैं या इनबॉर्न एक्शन पैटर्न हैं और इनवेरिएंट है, मतलब उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता है. हम ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे स्टीरियोटाइप एक्शंस फिक्स्ड नहीं होते हैं, लेकिन सारे FAPs या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स जो होते हैं वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर होते हैं. और प्रत्येक स्पीशीज में एक अपनी पर्टिकुलर सीरीज होती है स्टीरियोटाइप्ड और स्पीशीज स्पेसिफिक पैटर्न्स की. इसका एग्जांपल FAP का हम देख सकते हैं एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ ग्रे लैग गूज के द्वारा. ये स्टडी किया गया था लॉरेंस के द्वारा. उन्होंने देखा कि FAPs जो हैं दे आर ऑल्सो ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एक बार जब FAPs ट्रिगर हो जाता है तब वो अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि वो फिक्सेट हो गया है एक्शन पैटर्न. तो 1939 में लॉरेंस एंड टिम्बर्जन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था विद द हेल्प ऑफ एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ ग्रे लैग गूज. उन्होंने ये देखा कि अगर कोई अंडा ग्रे लैग गूज जो एक प्रकार की बतख है, अगर उसका कोई अंडा उसके घोंसले से बाहर रोल आउट हो जाता है तो इसका एक पर्टिकुलर फैशन या पैटर्न है जिससे ग्रे लैग गूज ब्रिंग्स द एग बैक इनटू इट्स नेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रिंग्स इट बीक इन फ्रंट ऑफ द एग एंड देन इट टर्न्स इट बीक टूवर्ड्स इट्स चेस्ट. अपनी चेस्ट की तरफ अपनी बीक को लेकर आती है जिससे कि एग रोल होता है. और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है, रिपीट होता रहता है जब तक कि वो अंडा रोल होकर के एग नेस्ट में ना आ जाए. अब उन्होंने ये देखा कि अगर अंडा बीच में से हटा भी लिया जाए तो भी ग्रे लैग गूज का ये रोलिंग बिहेवियर कंटिन्यूड रहता है. आप यहाँ पर एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये ग्रे लैग गूज है, इसका ये अंडा ये घोंसले के
बाहर आ गया है। अब जब ये अंडा घोंसले के बाहर आ गया है तो ये ग्रे लैबूज जो है उसको अपनी चोंच की सहायता से पीछे की तरफ धकेलती हुई ये पहले चोंच को अंडे के आगे लेके जाती है, फिर अंडे को पीछे अपने चेस्ट तक इसका ये मूवमेंट रहता है। लेकिन आप दूसरी पिक्चर में देखिएगा कि यहाँ पर ये अंडा इसका रिमूव हो गया है, लेकिन फिर भी जो इसका नेक का मूवमेंट है वो उसी प्रकार से चलता रहता है। ये वीडियो जो है ये लॉरेंस के एक्सपेरिमेंट का वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना एग रोल कर रही है इस प्रकार से, ये अपने एग को वापस लाया, इन्होंने अंडा बाहर हटा लिया लेकिन तब भी वो मूवमेंट को अपने पूरा करती है। इसी प्रकार का एक और ये वीडियो है YouTube पर, ये आप देख सकते हैं। देन मोड्स ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न, स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न्स को 6 प्रकार के बिहेवियरल पैटर्न्स में बांटा गया है जो कि एनिमल्स में प्राय पाए जाते हैं। उसमें हैं टैक्सिस, रिफ्लेक्सिस, इंस्टिंक्ट्स, मोटिवेशन, लर्निंग एंड रीजनिंग। इसमें से टैक्सिस, रिफ्लेक्सिस, इंस्टिंक्ट्स, मोटिवेशन ये जो है ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर पैटर्न में आते हैं, लेकिन लर्निंग और रीजनिंग जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न में आते हैं। तो सबसे पहले टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि जो भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके प्रति एनिमल की पूरी बॉडी का ओरिएंटेशन जब होता है उसको कहते हैं टैक्सिस। इसमें सिंपल मूवमेंट होता है एंड दिस मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, मतलब कि जिधर जिस दिशा से स्टिमुलस आ रहा है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो पूरी की पूरी उसकी तरफ या उसकी विपरीत दिशा में ओरिएंट हो जाती है। टैक्सिस के कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, टैक्सिस जो होते हैं ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, साथ ही साथ बिहेवियर स्टीरियोटाइप बिहेवियरल पैटर्न है, और इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्पैटियल ओरिएंटेशन होता है, दैट मींस ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस, और इसमें ऑर्गेनिज्म की संपूर्ण बॉडी का ओरिएंटेशन होता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का ओरिएंटेशन नहीं होता है। और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इट हैज़ टू बी कंटिन्यूसली गाइडेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस, अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा तो ये ओरिएंटेशन भी वहीं पे रुक जाए। ओरिएंटेशन मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस का स्ट्रेंथ होगा उतना ही अच्छा ओरिएंटेशन होगा। तो टैक्सिस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम जब इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि टैक्सिस जो है अकरेंस में उतने सिंपल नहीं है जितना हमको लगता है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग अलग प्रकार की अडेप्टेशन डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो टैक्सिस हैं वो ज़्यादा रिजिड है, ज़्यादा वेल फॉर्म्ड टैक्सिस हैं उनमें, और जो कि रिलेटिवली फिक्स्ड हैं। और स्टीरियोटाइप एक्शन पैटर्न्स लोअर ग्रेड ऑफ एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोअन्स हैं, पॉलीफेरन्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, उनमें टैक्सिस बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। और सिंगल टैक्सिस जो हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स की बढ़ती है तो जो टैक्सिस बिहेवियर है ये धीरे धीरे द इंडिविजुअल टैक्सिस बिहेवियर दे बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्शन, जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसका पार्ट बन गए ये धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ में, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। इसका एक एग्जाम्पल है ओरिएंटेशन ऑफ फिश एंड वाटर, ओरिएंटेशन ऑफ फिश एंड वाटर जो है वो जियो फोटोटैक्सिस और जियो टैक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पर, अब इसमें क्या है कि जो फिश है ये अगर लाइट ऊपर से आ रही है तो ये हॉरिजॉन्टल रहती है, या अगर साइडवेज आ रही है लाइट साइड से पड़ रही है तो इसका ये मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, अगर लाइट नीचे से आ रही है तो भी ये अपना इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो जियो टैक्सिस को भी फॉलो कर रही है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रही है। ऐसा तब है जब उसका इंटरनल ईयर का मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। लेकिन अगर किसी फिश का मेम्ब्रेनस लेबरिंथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उस केस में जब लाइट ऊपर से आती है तो ये फिश
अपराइट है बिल्कुल ठीक है, जब साइड से आ रही है तो भी ठीक है, लेकिन जब लाइट नीचे से पड़ती है तो फिश जो है अपने आप को उल्टा कर लेती है। तो ऐसा तब होता है क्योंकि वो फोटोटैक्सिस और जियोटैक्सिस के बीच में बैलेंस नहीं कर पाती है। तो जो टाइप्स ऑफ टैक्सिस हैं वो हैं क्लाइनोटैक्सिस, देन ट्रोपोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस या जिसको आम भाषा में लाइट कंपास रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, और मनीमोटैक्सिस। और उसके अलावा ओरिएंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलेशन, दो प्रकार के टैक्सिस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कि अगर मूवमेंट की जो मूवमेंट हो रहा है ऑर्गेनिज्म का वो स्टिमुलस की दिशा में हो रहा है या उससे विपरीत दिशा में हो रहा है, उसके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव टैक्सेस भी होते हैं। तो सबसे पहले क्लाइनोटैक्सिस। क्लाइनोटैक्सिस के लिए ये जो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लाइनोटैक्सिस होता है, हालांकि उनमें जो सेंसरी ऑर्गन है वो पेयर्ड हैं, लेकिन उनमें आपस में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो उसमें क्या है कि वो दोनों के बीच में जो दो उसका पेयर्ड ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है दोनों ऑर्गन्स पे जो स्टिमुलस पड़ रहा है, और उसके हिसाब से अपना मूवमेंट होता है। तो इसमें हेड का वेवरिंग साइड टू साइड मोशन होता है, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट इस तरीके से वेवरिंग मोशन होता है हेड का। और क्योंकि जो सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है रिसेप्टर कि लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, तो ऐसी केस में क्या होता है कि वो अपना हेड एक बार लेफ्ट की तरफ करता है, फिर एक बार राइट की तरफ करता है, फिर उसके हिसाब से अपने आप को ओरिएंट करता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है ऑर्गेनिज्म, सक्सेसिव कंपैरिजन करता है, जिससे कि जब तक वो इक्वली उसका जो रिसेप्टर है इक्वली स्टिमुलेट नहीं कर होता है तब तक वो अपने हेड को दाएं बाएं घुमाता रहता है। इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है क्लाइनोटैक्सिस का, ये देखा जाता है मैगट्स में। मैगट्स आर द लार्वा ऑफ कॉमन फ्लाइज लाइक मस्का स्पीशीज़ या कैलिफोरा स्पीशीज या लूसीलिया स्पीशीज़ का। जब प्यूपेशन करना होता है मैगट्स को तो ये थोड़ा डिम लाइट वाला या डिफ्यूज लाइट वाला कोना ढूंढते हैं, तो उससे प्यूपेशन से जस्ट पहले ये क्लाइनोटैक्सिस शो करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ लाइट। फ्रैंकल और गुन ने 1940 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उनकी एक बुक है ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल्स काइनेसिस टैक्सिस एंड कंपास रिएक्शंस बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब डिफ्यूज डिम लाइट होती है तो मैगट्स का हेड जो है बार बार टर्न होता रहता है जब तक दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी में वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता है। तो एक बार लेफ्ट को करता है अब मैगट अपना हेड, एक बार राइट को करता है। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा कि उन्होंने एक ऊपर लाइट बल्ब टांगा मैगेट के ऊपर, और उन्होंने ये देखा कि जब वो जला हुआ है कंटिन्यूसली तो वो अपना लेफ्ट राइट वो मैगेट जो है अपना हेड करता रहता है। फिर उन्होंने क्या करा कि जब मैगेट लेफ्ट की साइड अपना हेड करता था तो उन्होंने एक दूसरी लाइट उसके ऊपर जला दी। जब भी उसने अपना हेड जो है लेफ्ट की तरफ करा तो उन्होंने वो सेकेंड लाइट जला दी, और एवरी टाइम द मैगट टर्नड इट्स हेड टूवर्ड्स लेफ्ट उन्होंने वो लाइट जलाई, लेकिन जब उसने राइट की तरफ अपना हेड करा तो वो लाइट उन्होंने बंद कर दी। तो इसकी वजह से जो मैगट है वो सर्कुलर मूवमेंट्स उसने शो किए। लेकिन अगर उन्होंने ये लाइट तब जलाई जब उसने राइट की तरफ किया था तो ये सर्कल जो था वो लेफ्ट साइड में था, और अगर उन्होंने लेफ्ट साइड की तरफ लाइट जलाई थी तो सर्कल उसका राइट की तरफ। तो ये उन्होंने बार बार उन्होंने करके देखा, क्योंकि मैगट हमेशा अंधेरा कोना ढूंढते हैं और या जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम रहती है। नेक्स्ट इज द ट्रोपोटैक्सिस। ट्रोपोटैक्सिस और क्लाइनोटैक्सिस में जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रोपोटैक्सिस में पेयर्ड सेंसरी ऑर्गन है जिसमें इक्विलिब्रियम स्थापित है। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस एज अ रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग सेंसरी इनपुट रिसीव फ्रॉम पेयर्ड रिसेप्टर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, मतलब साथ के साथ वो उसका कंपेरिजन कर रहा है, जिसकी वजह से उसको बार बार लेफ्ट राइट अपना हेड शेक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप ये इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि
क्लाइनोटैक्सिस है ये, जिसमें लेफ्ट राइट वेवरिंग ऑफ हेड हो रही है, जबकि ट्रोपोटैक्सिस में क्योंकि ऑर्गन पेयर्ड है तो ये अपना उसके दिशा में अपने आप ही स्वतः जा रहा है। तो कंपैरिजन जो स्टिमुलेशन के प्रति है वो साइमल्टेनियस कंपैरिजन हो जाता है, और बायलेटरली सिमेट्रिकल रिसेप्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। और साइमल्टेनियस कंपैरिजन की वजह से ओरिएंटेशन जो है स्टिमुलस के टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एक लोकलाइज सोर्स की तरफ या उसके विपरीत दिशा में होती है विदाउट द लेटरल स्विंग्स ऑफ द हेड। इसकी वजह से लेकिन हम ये देखते हैं कि ट्रोपोस्ट्रैक्सिस जो है नेचर में बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, अधिकतर जब ये मिलते हैं तो ये टीलोटैक्टिक रिस्पॉन्सेज के साथ ही पाए जाते हैं। टीलोटैक्सिस जो होता है, टीलोटैक्सिस इज डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, मतलब एक स्टिमुलस है सीधे उसकी सीध में जब मूवमेंट होता है उसकी दिशा में, मतलब ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तब उसको कहते हैं टीलोटैक्सिस। और इसमें सिंपल बैलेंस नहीं होता है स्टिमुलस के लिए, जैसे कि क्लाइनोटैक्सिस और ट्रोपोटैक्सिस में हमने देखा था। इन दोनों केसेस में दो सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन एक साथ काम कर रहे हैं एनिमल्स अपने आप को, अगर टीलोटैक्सिस में अगर मान लीजिए कि दो स्टिमुलाय साथ साथ हैं, और एनिमल जो है जो स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, कोई इंटरमीडिएट रास्ता वहाँ पर नहीं होगा टीलोटैक्सिस के केस में। इसका मतलब है कि एक स्टिमुलाय का जो इन्फ्लुएंस है वो इनहिबिट हो जाएगा या मास्क हो जाएगा। एग्जांपल्स जो हैं टीलोटैक्सिस की ये हम देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई में, व्हेन द ड्रैगन फ्लाई मूव्स टुवर्ड्स इट प्रे, जब वो अपने प्रे की तरफ मूव करता है ड्रैगन फ्लाई, या हर्मिट क्रैब का ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स सम सोर्स ऑफ फूड और एनीथिंग। और अगर हम बीज को यूनिलैटरली ब्लाइंड कर दें तो शुरुआत में, तो क्योंकि दे हैव अ पेयर ऑफ आइज, अगर हम यूनिलैटरली एक आंख उनकी ख़राब कर देते हैं तो शुरुआत में तो वो सर्कुलर मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अडाप्टेशन के बाद दे विल ओरिएंट देमसेल्व्स डायरेक्टली टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरीके से ग्रेलिंग बटरफ्लाई होती है जिसका जूलॉजिकल नेम है यूमेनिस सिमेली, ये जब देखती है कि प्रिडेटर है कोई तो ये इट फ्लाइज स्ट्रेट towards the sun to escape from the predator। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो predator है जब ये सीधे सूरज की दिशा में जाती है तो predator की आंखें अगर उसका पीछा कर रहा है तो उसकी आंखें चुंधी आ जाती हैं। नेक्स्ट इज द मीनोटैक्सिस या लाइट कंपास रिस्पॉन्स। जो मीनोटैक्सिस रिस्पॉन्स है ये ओरिएंटेशन होता है बॉडी का या एनिमल का एक पर्टिकुलर एंगल पर टू द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। इसको स्टडी किया था स्नेरला ने 1933 में, होमिंग एंट्स का जो बिहेवियर था उन्होंने वो स्टडी किया था, एंड उन्होंने ये देखा कि जो होमिंग एंट्स हैं, होमिंग एंट्स मतलब वो एंट्स जो कि अपने नेस्ट की तरफ वापस जा रहे हैं फूड सोर्स से या कहीं से भी नेस्ट की तरफ वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है या पाथ है वो कॉन्स्टेंटली सन से गाइडेड रहता है, सूर्य की रोशनी से गाइडेड रहता है। और अगर सन का डायरेक्ट एंगल चेंज होता है तो अपेरेंटली जो एंट्स हैं वो भी अपना डायरेक्शन या एंगल थोड़ा सा बदल लेते हैं, और अगर इवन क्लाउडी है मौसम तब भी इनको पोलराइज लाइट से या जैसे भी ये अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सन दे कैन मैनेज देयर डायरेक्शन। अगर किसी प्रकार से आप मिरर्स की सहायता से सन का डायरेक्शन अगर आपसे 37 डिग्री अगर कोई चेंज कर देता है एक्सपेरिमेंटली, तो एंट का जो पाथ है वो भी 37, ये तो ओरिजिनल सन का जो, दिस इज द सन, और अगर इसको 37 डिग्री आप डिविएट कर दें सूरज की रोशनी को किसी पोलराइज मिरर्स की सहायता से, तो अगर 37 डिग्री अगर आप चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ होना था आपने उसको 37 डिग्री चेंज कर दिया, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको जाना है, तो वो 37 डिग्री एंट का पाथ भी डिविएट हो जाएगा क्योंकि ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है उसके प्रति सेंसिटिव है। नेक्स्ट इज द मनीमोटैक्सिस। मनीमोटैक्सिस इज नोन एज मेमोरी मूवमेंट। इसको मेमोरी मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है इट नेविगेट्स by using the landmarks, वो एक तरीके से नेविगेट करता है और लैंडमार्क्स को याद रखने की कोशिश करता है। तो दिस वॉज स्टडीड बाय टिनबर्जन एंड क्रुइट इन द ईयर 1938, देन
म्यूजिकॉम जी उन्होंने 1948 में किया था और इन्होंने इसको स्टडी किया था, फाइलेंटस ट्रायंगुलम, ये हंटिंग वास्प है, इसको डिगर वास्प भी बोलते हैं। जब ये अपने नेस्ट से ये ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके अपना नेस्ट बनाता है, तो जब ये अपने नेस्ट से बाहर जाता है तो नेस्ट के चारों तरफ दो तीन चक्कर ये लगाता है टू मेमोराइज द लैंडमार्क्स विच आर नियर इट्स नेस्ट। और फिर जब वापस आता है तब ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इट इज़ नोन एज मेमोरी मूवमेंट और नेविगेशन यूजिंग द लैंडमार्क, तो जब वापस आता है तो उन लैंडमार्क्स की सहायता से ही वापस अपने नेस्ट या घोंसले में एंटर करता है। यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि ये उसका ओरिजिनल सेटअप है। यहाँ पे बीच में बरो है इस वास्प की और ये कोन्स, जो पाइन कोन्स गिर जाते हैं ज़मीन पर, ये पाइन कोन्स का ओरिजिनल अरेंजमेंट है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने कोन्स को दूसरी जगह पर सेम पोजीशन में अरेंज कर दिया। पहले ये घास के पास था, यहाँ पे उन्होंने घास से थोड़ा दूर या वहाँ पे भी घास थी वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से पाइन कोन्स को अरेंज कर दिया। तो जब ये डिगर वास वापस आया तो ये जहाँ पे उन्होंने नए कोन्स को लगाया था वो वहाँ पे बीच में अपना घोंसला ढूंढने लग गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये करा कि उन्होंने जो कॉन्फ़िगरेशन था वो उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे ये सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन था, उन्होंने उसको क्या करा, पाइन कोन्स का कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने ट्रायंगुलर कर दिया और थोड़ी सी दूरी पर उन्होंने सर्कुलर स्टोन्स जो हैं वो अरेंज कर दिए सर्कुलर शेप में। तब भी उन्होंने ये देखा कि सर्कुलर शेप जहाँ पर थी वो उसके बीच में उसने अपना घोंसला खोजा। ये इसी का एक GIF है, आप ये देखिए, यहाँ पे ये नेस्ट है, ये चारों तरफ अपना चक्कर लगा रहा है ये वास्प और ये उड़ जाता है। टेस्ट, ये तो टेस्टिंग में पाइन कोन्स को हटा दिया गया तो जहाँ पे पाइन कोन्स थी वहाँ पर ये अपना आके ढूंढता है घोंसला। नेक्स्ट इज द स्टिमुलस बाउंड एक्सिस। तो अपना जो ये ओरिएंटेशन करता है मूवमेंट या मूवमेंट होती है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, तो इस हिसाब से टैक्सेस होते हैं दो प्रकार के, एक तो है पॉजिटिव टैक्सेस और एक है नेगेटिव टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं फोटो टैक्सेस का। हमने ये आमतौर पर देखा है कि इंसेक्ट्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लाइट सोर्स। रात में बल्ब के चारों तरफ बहुत सारे मच्छर और भी बहुत सारे कीट पतंगे इकट्ठे हो जाते हैं बिकॉज दे आर पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक, दे शो अ पॉजिटिव फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स। तो अब इसमें और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि युगलीना है, रनात्रा है, ये दे मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो द सॉइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लेनेरियंस हैं, अर्थवर्म्स हैं, स्लग्स हैं, कुछ कोपेपॉड्स हैं, साइफेनोफोर्स हैं, दे मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिवली फोटोटैक्टिक या नेगेटिव फोटोटैक्सिस ये शो करते हैं। अमीबा और पैरामीशिया, इनमें खासियत ये है कि बहुत तेज़ रोशनी और टोटल डार्कनेस ये दोनों को अवॉइड करते हैं। तो अगर डिफ्यूज लाइट है देन अमीबा एंड पैरामीशियम विल शो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, लेकिन अगर बहुत ब्राइट लाइट है दे विल शो नेगेटिव फोटोटैक्सिस। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करती है लाइट के लिए, लेकिन मॉस्किटोज जो हैं दे आर नेगेटिवली फोटोटैक्सिस एंड बेग बग्स आर ऑल्सो नेगेटिवली फोटोटैक्सिस, जबकि जो हाइड्रा है वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करता है। देन थर्मोटैक्सिस, थर्मोटैक्सिस इज द रिस्पॉन्स फॉर टेम्परेचर, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स टेम्परेचर। तो अधिकतर ऑर्गेनिजम्स एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 24 to 28 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। इसके अपवाद भी हैं क्योंकि जो बहुत ठंडी जगह पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल प्रेफर द कोल्ड टेम्परेचर। तो हर एक एनिमल के लिए या हर एक स्पीशीज और जीनस के लिए एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर रेंज के लिए दे आर पॉजिटिवली थर्मोटैक्ट। और अगर इससे ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा दे विल शो अवॉइडेंस या नेगेटिव थर्मोटैक्सिस दिखाएंगे। अगर हम बेडबग की एग्जाम्पल्स दोबारा लेते हैं तो बेडबग्स आर ऑल्सो पॉजिटिवली थर्मोटैक्टिक बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द वॉर्म्थ ऑफ द प्रे ऑफ देयर होस्ट ऑन द बेड। जब वो रात में निकल के आते हैं और होस्ट की जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी गर्माहट से अट्रैक्ट होकर के बेडबग्स जो हैं रात में आते हैं खून चूसने के लिए। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सिस।
Chemotaxis is the response of animals or organisms towards the chemical substances. अधिकतर केसेस में कीमोटैक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है. अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली या एसिडिक सॉल्यूशंस हैं तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक अमीबा दे विल शो नेगेटिव कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स. लेकिन अगर शुगर है माइल्ड शुगर सॉल्यूशन है तो दे विल शो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. पैरामीशियम शोज अवॉइडिंग रिएक्शन फॉर द सॉल्ट सॉल्यूशन. अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन है, आप पानी में आप नमक घोल दें ज़्यादा थोड़ा, तो पैरामीशियम अवॉइड करेगा. लेकिन अगर एक वीक एसिड है कोई और उसके एक ड्रॉप आप सॉल्यूशन में डाल दें तो इट पैरामीशियम विल शो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. देन जियोटैक्सिस. जियोटैक्सिस रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स फॉर ग्रेविटी. अमीबा में जियोटैक्सिस जो होता है पॉजिटिव होता है क्योंकि अगर आप पेट्रीडिश में रखेंगे कल्चर, आप पेट्रीडिश में रखते हैं तो अमीबा जो है पेट्रीडिश की बॉटम पे अडहेयर करते हैं या चिपक जाते हैं. जबकि पैरामीशियम जो है नेगेटिवली जियोटैक्टिक है. अगर आप कल्चर रखते हैं ट्रफ में रखते हैं या थोड़ी ऊंची पेट्रीडिश में या बीकर में या इवन टेस्ट ट्यूब में भी आप रखते हैं तो पैरामीशियम जो है ऊपर के लेयर में आ जाते हैं. दैट मीन्स दे आर नेगेटिवली जियोटैक्टिक. और हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका या फ्रूट फ्लाई जो है ये भी नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं. फ्रूट फ्लाई को अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर केला या कोई और फ्रूट डाल करके आप रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि फ्रूट फ्लाइज जो हैं उसकी टेस्ट ट्यूब के जो ऊपर का सिरा है उस तरफ आ जाती है. देन थिग्मोटैक्सिस. थिग्मोटैक्सिस इज द रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट. जैसे अधिकतर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे शो अवॉइडिंग रिएक्शन फॉर थिग्मोटैक्सिस फॉर टच. लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैटल हैं, अगर आप दे अंडरस्टैंड द गुड टच एंड द बैड टच. इफ द टच इज गुड दे विल शो पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस. बट इफ दे सेंस समथिंग बैड इन द टच, समथिंग नेगेटिव इन द टच, देन दे विल शो नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस. देन गल्वेनोटैक्सिस. गल्वेनोटैक्सिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट. तो ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव गल्वेनोटैक्सिस तब देखा जाता है कि एनिमल्स दे विल मूव टूवर्ड्स अ नेगेटिव पोल और कैथोड जब एक वीक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है. जैसे पैरामीशियम जो है वापस एनोड की तरह, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो पैरामीशियम जो है वापस से पॉजिटिव पोल या एनोड की तरफ आने लग जाते हैं. तो टैक्सिस की अडाप्टिव सिग्निफिकेंस क्या है? टैक्सिस जो है बहुत ज़्यादा अडाप्टिव सिग्निफिकेंस है इनकी. एक तो ओरिएंटेशन ऑफ और मूवमेंट जो होता है ऑर्गेनिजम्स का वो टैक्सिस के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है. ओरिएंटेशन मूवमेंट जो बटरफ्लाइज की हैं, जैसे ह्यूमेनस सिमेले की हैं जो सन के डायरेक्शन में जाती है, तो ये उसको हेल्प करता है टू अवॉइड द प्रेडेटर. दूसरा, जो होमिंग बिहेवियर है एंट्स का और बर्ड्स का, दे यूज सन एज देयर कंपास. तो दे आर गाइडेड बाय सन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस एंड दे नेवर लूज देयर वे. नेगेटिव फोटोटैक्सिस जो है वो हाउस फ्लाई के लार्वा को डार्क प्लेसेस में रखता है प्यूपेट करने के लिए. डार्क प्लेसेस में दे आर सेव फ्रॉम द प्रेडेटर्स. और डेसिकेशन भी नहीं होता है क्योंकि जो डार्क प्लेसेस हैं थोड़ा सा ह्यूमिड रहते हैं. और ओरिएंटेशन जो है कीमोटैक्सिस, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, फेरोमोन्स आर ऑल्सो केमिकल्स विच आर रिलीज, दीज आर द सेक्स केमिकल्स विच आर रिलीज बाय एनिमल्स. तो ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फेरोमोन्स विल हेल्प द एनिमल्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेडेशन एंड अवॉइडेंस. हर तरीके से उसकी सहायता करता है. जैसे कि फीमेल अगर फेरोमोन्स रिलीज करती है, फीमेल सिल्क मॉथ फेरोमोन्स रिलीज करती है बॉम्बे कॉल, जो कि उसके मेल पार्टनर को बहुत दूर से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. नाउ कमिंग टू द रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस जो है ये सिंप्लेक्स यूनिट हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के, एंड दे आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. तो इसके जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं रिफ्लेक्सेस के, सबसे पहला ये है कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं दीज आर ऑटोमेटिक एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर. मतलब कि कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, यहाँ पे एकदम से होता है. दूसरा, टैक्सिस में पूरी की पूरी बॉडी ओरिएंट होती है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट या उसके दिशा में. लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एक बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है. ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी मूव करेगी, एक छोटा सा बॉडी पार्ट भी मूव कर सकता है. एंड टैक्सिस के लिए ज़रूरी है कि जब तक उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो
कंटिन्यूअस स्टिमुलस रहे वहाँ पर तब तक वो टैक्टिक मूवमेंट चले, लेकिन रिफ्लेक्सेस के लिए एक बार स्टिमुलस आ गया उसके बाद ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरली गाइडेड बाय स्टिमुलस कंटिन्यूअसली। रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो इननेट इन ओरिजिन, इनबॉर्न होते हैं एंड दे आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टिमुलस स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा लेटेंट पीरियड उतना ही छोटा होगा, जितना वीक स्टिमुलस होगा लेटेंट पीरियड उतना ही लंबा होगा। अब लेटेंट पीरियड जो होता है ये वो टाइम लैग है विच लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट। मतलब स्टिमुलस आया, स्टिमुलस दिया गया, उसके बाद कितनी देर में, कितनी मिली सेकेंड्स के बाद, कितने सेकेंड्स के बाद, कितने समय के बाद आप उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दिस इज नोन एज द लेटेंट पीरियड। जो ये टाइम लैग जाता है दिस इज नोन एज द लेटेंट पीरियड। नाउ रिफ्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज द टोनिक रिफ्लेक्स एंड द अदर इज द फेजिक रिफ्लेक्स। जो टोनिक रिफ्लेक्सेस होते हैं ये स्लो होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये इन्वॉल्व रहते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ द मस्कुलर टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट। तो ये इन बिल्कुल आराम से होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इनका रिस्पॉन्स रहता है, जबकि जो फेजिक रिफ्लेक्स होते हैं दीज आर फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड एंड दीज आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फ्लेक्शन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आप अपना हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं या पैर का मूवमेंट कर रहे हैं, आईलिड हिला रहे हैं, तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं दीज आर फेजिक रिफ्लेक्सेस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो होता है उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। इवन जो टैक्सेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव बिहेवियरल पैटर्न माने गए हैं, उनको भी आप तोड़ सकते हैं छोटे छोटे रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस के रूप में, और इसको आप समझ सकते हैं एक नीजक रिफ्लेक्स की सहायता से। फॉर एग्जाम्पल द हैमर हियर इज़ द स्टिमुलस, दिस इज़ द इनिशियल पोजिशन ऑफ द लेग, हैमर जो नी के ऊपर हैमर दिया, यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर गैंग्लियन हैं, उन्होंने ये पेन सेंसेशन रिसीव करी और सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये उसको लेकर गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में, वहाँ से मोटर न्यूरॉन के द्वारा, हियर यू कैन सी मोटर न्यूरॉन के द्वारा वहाँ से उसका रिस्पॉन्स आया एंड देन द क्वाड्रिसेप्स मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेग इज जर्क। तो इस तरीके से किकिंग एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्सेस जो है दीज आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट न्यूरल लेवल्स, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। जैसे कि आप फ्लेक्शन या एक्सटेंशन रिफ्लेक्सेस जब आप देखते हैं, इनका एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन दीज आर गाइडेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड लोकोमोशन और बाकी के जो मैकेनिज्म्स हैं दीज आर द फंक्शंस ऑफ आर ब्रेन। तो रिफ्लेक्सेस में दो कंट्रोल प्रोसेसेस होते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पर होता है और एक पेरिफेरल लेवल पर होता है। सेंट्रल कंट्रोल में ब्रेन डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी ऑर्गन को एक्शन के लिए, जबकि पेरिफेरल कंट्रोल में सेंसरी या मस्कुलर सिस्टम से ये कंट्रोल होते हैं। तो इसके लिए मैनिंग ने दो मॉडल्स डिस्क्राइब किए हैं, आप ये देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दिस इज द कंट्रोल सेंटर, मोटर आउटफ्लो है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मतलब कि पलंग झपकाना, दिस इज नॉट कंट्रोल बाय ब्रेन। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कंट्रोल सिस्टम में आई बॉल है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या लोड है और ये दिस इज द पोजिशन। दूसरी तरफ जब टोनिक या फ्लेक्शन या एक्सटेंसर एक्शन होता है उस समय आप ये देख सकते हैं कि लिम्ब मसल कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे बीच में आ जाता है, ये लिम्ब है, ये लोड है और दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द लोड। ये जॉइंट रिसेप्टर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड दे विल आल्सो गिव द फीडबैक रिस्पॉन्स। तो इसमें दो मॉडल्स होते हैं, एक ओपन लूप मॉडल है और क्लोज लूप मॉडल है। ओपन लूप मॉडल में A is the open loop model here and the B is the closed loop model here. For example, open loop model में input है, behavioral system है और उससे output आ रहा है और ये अनवरत चलेगा, कोई disturbance भी आएगी तो ये अनवरत चलेगा, ये बीच में नहीं रुकेगा। जबकि closed loop model में क्या होता है,
इनपुट है, बिहेवियरल सिस्टम है, अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो आउटपुट, यहाँ पे एक फीडबैक मैकेनिज्म भी रहता है जिसकी वजह से इंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्ट एंड फीडबैक इफेक्ट्स, जो ये डिस्टर्बेंस आई तो उसकी वजह से एक फीडबैक सिस्टम है जिससे कि आउटपुट जो है वो रुक सकता है। तो अडाप्टिव सिग्निफिकेंस जो है कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्स पैटर्न की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न जो है आप उनको छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ रिफ्लेक्सेस में आप तोड़ सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बिहेवियरल पैटर्न कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, रिफ्लेक्सेस फॉर्म द यूनिट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न। सो दीज आर द फर्दर रीडिंग्स विच यू कैन कंसल्ट फॉर स्टडिंग दिस टॉपिक। The first one is Vinod Kumar. It was published in Animal Behavior, which was published in 1996 by Himalayan Publishing House. And the other is Animal Behavior by Manning and Dawkins in 2012 by Cambridge University Press. Thank you.